हेलो स्टूडेंट्स लेट्स डिस्कस एम सी क्यूज बेस्ड ऑन हेलो एल केन्स एंड हेलो एरेंस ये एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है आई हैव चोजन दिस यूनिट फ्रॉम क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री सी बी एस ई बोर्ड पार्ट टू दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाउ लेट्स डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस चैप्टर सो क्वेश्चन नंबर वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विसिनल डाई हैलाइड फोर ऑप्शंस आर गिवन हमें पता करना है विसिनल डाई हेलाइड कौन है सो वॉट इज विसिनल विसिनल टर्म जो आता है विसिनिटी से विसिनिटी मीन्स एडजसेंट एडजसेंट कार्बन एटम में अगर कोई भी हेलोजन है लेट्स टेक सीएल एंड सैटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ कार्बन बाई हाइड्रोजन तब इसे कहेंगे विसिनल क्योंकि अगल बगल वाले कार्बन में दो हेलोजन है क्लोज विसिनिटी में है सो मिथेन इट कंटेंस ओनली वन कार्बन सो ये ऑप्शन नहीं होगा नाउ इथिलीडीन डबल बॉन्ड शुड बी देर एंड एलाइल में मिनिमम थ्री कार्बन होंगे सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी बिकॉज यू कैन सी इट इज़ वन टू डाई इथेन इसमें बगल वाले कार्बन ऐटम में एडजेसेंट कार्बन ऐटम मतलब अगल बगल वाले कार्बन ऐटम में दो सी एल हैं सो योर आंसर वुड बी फर्स्ट का बी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर now let's see question number two the position of br in the compound ch3ch double bond chc Br ch3 whole twice can be classified as dash options are allyl aryl vinyl and secondary now we all know that jabbi doubly bonded carbon say carbon juda hua hai. if a carbon is directly attached to doubly bonded carbon and that carbon contains हैलोजन और एनी अदर ग्रुप देन वी कॉल इट एलाइलिक याद रखिए बच्चों डबली बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन में अगर कुछ ग्रुप जुड़ा है देन वी कॉल इट एलाइल सो आपका ऑप्शन होगा टू का ए ए विल बी द करेक्ट आंसर एरिल में बेंजिन रिंग होगा ये नहीं होगा विनाइल में डबली बॉन्डेड कार्बन में ही होगा सो ऑप्शन सी भी गलत है सेकेंडरी मीन्स टू डिग्री सो योर आंसर इज टू का ए एलाइलिक कार्बन नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर थ्री इथिलीडीन क्लोराइड इज ए ऑब्लिक एंड डैश इथिलीडीन क्लोराइड क्या है विसिनल डाइहेलाइड जेमिनल डाइहेलाइड एलाइलिक हेलाइड विनाइलिक हेलाइड अब हमें यहाँ स्ट्रक्चर बना के देखना है इथिलीन इथ इथ मीनस टू कार्बन आइटम एंड देन ईन है इसका मतलब डबल बॉन्ड होगा क्लोराइड है सी है लेकिन डी इज देर डी से हम ये मान सकते हैं डाई क्लोराइड है दो क्लोरीन है सो वी कैन डू वन थिंग आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो क्लोरीन से सी एल से तब ये बन गया जेमिनल क्योंकि दोनों ही क्लोरीन एटम एक ही कार्बन से जुड़े हैं बोथ द क्लोरीन एटम्स आर अटैच टू सेम कार्बन एटम इस तरह के अटैचमेंट को कहते हैं जेमिनल जेमिनल सो आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी थ्री बी जेमिनल डाई हेलाइड क्वेश्चन नंबर फोर अ प्राइमरी एल्काइल हेलाइड वुड प्रिफर टू अंडर गो डैश अ प्राइमरी एल्काल हेलाइड किस तरह का रिएक्शन शो करेगा ऑप्शन हैं एस एन वन बी एस एन टू अल्फ़ा एलिमिनेशन एंड रेसिमाइजेशन वी नो फॉर एस एन वन द ऑर्डर शुड बी थ्री डिग्री मतलब थ्री डिग्री एल्किल हेलाइड होना चाहिए तो एस एन वन नहीं होगा एंड देन एस एन टू यस एस एन टू में ऑर्डर होता है वन डिग्री इज ग्रेटर देन टू डिग्री इज ग्रेटर देन थ्री डिग्री इसका मतलब प्राइमरी एल्किल हेलाइड अगर है देन इट वुड अंडर गो एस एन टू मैकेनिज्म सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नाउ फिफ्थ क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एलकाइल हेलाइड विल अंडर गो एस एन वन रिएक्शन मोस्ट रेडिली अब एस एन वन में अभी हमने डिस्कस किया एस एन वन में क्या होगा एस एन वन रिएक्शन में जो ऑर्डर फॉलो होता है थ्री डिग्री इज ग्रेटर देन टू डिग्री टू डिग्री इज ग्रेटर देन वन डिग्री सो अब देखते हैं इनमें थ्री डिग्री कौन सा है सभी थ्री डिग्री हैं यू कैन सी ऑल फोर ऑप्शन थ्री डिग्री अब हमें देखना है किसका बॉन्ड सबसे वीक है आई टोल्ड यू आई माइनस इज अ बेटर लिविंग ग्रुप सो लिविंग ग्रुप पर वीडियो बना चुके हैं आप उसे रेफर कर सकते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर सी एंड एफ दोनों छोटे आइटम्स हैं बॉन्ड स्ट्रोंग होगा सी सी एल देन सी बी आर एंड सी आई यू कंपेयर ऑल दिस थ्री मॉलिक्यूल्स देन यू कैन सी दैट सी और आई में देर इज लार्ज साइज डिफरेंस साइज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एन्थेल्पी कम होगी दैट मीन्स ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा सी आई बॉन्ड विल ब्रेक इजिली सो जब ये टूट गया विल गेट थ्री डिग्री कार्बोकेटाइन सो योर आंसर शुड बी फिफ्थ का डी फिफ्थ ऑप्शन इज फिफ्थ का डी ऑप्शन इज करेक्ट वन क्वेश्चन नंबर सिक्स विच इज़ द करेक्ट आई यू पैक नेम फॉर दिस कंपाउंड सी एच थ्री सी एच सी सी टू एच फाइव एंड देन सी एच टू बी आर नाउ लेट्स ट्राई टू ओपन दिस चेन सी टू एच फाइव को हम ओपन करके देखते हैं विल ट्राई टू फाइंड द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सो वी कैन राइट द मोलिक्यूल एस सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच एंड सी टू एच फाइव को हम इस तरह भी लिख सकते हैं सी एच टू सी एच थ्री एंड देन द चन कंटिन्यू सी एच टू बी आर अब हमें नंबरिंग करना है इस तरफ से बिकॉज यू कैन सी बी आर इज़ देयर सो विल ट्राई टू फाइंड आउट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वन टू थ्री एंड फोर तो हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल रहा है ब्यूटेन सैचुरेटेड है और बी आर इज़ इन फर्स्ट पोजिशन सो ये नहीं होगा प्रोपेन नहीं होगा इथेन नहीं होगा ब्यूटेन दिख रहा है दो जगह आपको ब्यूटेन दिख रहा है लेकिन फर्स्ट पोजीशन में ब्रोमो होना चाहिए फर्स्ट कार्बन एटम में ब्रोमो होना चाहिए सो इट इज़ वन ब्रोमो टू मिथाइल ब्यूटेन सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी सिक्स का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सेवन वॉट शुड बी द करेक्ट आई यू पैक नेम फॉर डाई इथाइल ब्रोमोमिथेन सो जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है दैट इज मिथेन वन टू थ्री फोर मिथ मीन्स वन कार्बन एटम और कार्बन की वैलेंसी चार है ना डाई इथाइल सो सेटिस्फाई टू वैलेंसी बाई इथाइल एन देन ब्रोमोमिथेन एक में ब्रोमो रखिए एन देन एच नाउ हम चेन को बड़ा करके देखते हैं क्या ये पॉसिबल है चेन बड़ा करना नाव सी टू एच फाइव जो इथाइल है हम इसे लिख सकते हैं सी एच टू सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच बी आर एंड हियर ऑल्सो वी कैन राइट सी एच टू सी एच थ्री अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पता करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सो दैट मीन्स थ्री ब्रोमो पेंटेन आ रहा है थ्री ब्रोमो पेंटेन आप ये देख सकते हैं ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है और इस चेन के थर्ड पोजीशन में बी आर है सो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी थ्री ब्रोमो पेंटेन क्वेश्चन नंबर एट क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ ए एल सी एल थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज अटैक द बेंजीन रिंग इन दिस रिएक्शन सो so, आप इससे पहचानिए एल सी एल थ्री एक लिविस एसिड है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है एंड क्लोरोबेंजीन फॉर्म हो रहा है बाय द रिएक्शन इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ बेंजीन सो लेट्स राइट द रिएक्शन ये है बेंजीन रिंग नाउ दिस बेंजीन रिएक्ट्स विथ सी एल टू इट कैन बी रिटर्न इन दिस वे इन प्रेजेंस ऑफ ए एल सी एल थ्री तो ये जो ए एल सी एल थ्री है ले ये लिविस एसिड है इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट स्पीसी है ये इस सी एल को अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के साथ ले लेगा एंड इट फॉर्म्स ए एल सी एल फोर सिंगल माइनस दैट मीन्स इट इज जेनरेटिंग एन इलेक्ट्रोफाइल क्योंकि ये जो सी एल है दैट डेवलप्स अ प्लस चार्ज उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा सो so, हमें एक इलेक्ट्रोफाइल मिल गया सी एल प्लस अब ये सी एल प्लस जाके इस बेंजीन रिंग को अटैक करेगा दिस सी एल प्लस विल अटैक द बेंजीन रिंग क्योंकि वहाँ उसे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे सो so, यहाँ पर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा दैट इज़ ऑप्शन इज करेक्ट पूछा क्या है विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्पीशीज़ अटैक द बेंजीन रिंग इन दिस रिएक्शन सो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट हुआ है दैट इज सी एल प्लस क्लोरोनियम आयन दिस इज कॉल्ड क्लोरोनियम आयन ये जो क्लोरोनियम आयन है ये क्या करेगा जाकर बेंजीन रिंग को अटैक करेगा इसका मतलब बेंजीन रिंग से ये जुड़ जाएगा एंड विल गेट क्लोरो बेन्जीन सीएल सो दिस ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन क्वेश्चन नंबर नाइन वॉट इज ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन सी सिक्स एच फाइव दिस इज बेंजीन रिंग सी सिक्स एच फाइव सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू प्लस एच सी एल गिवस ए यू हैव टू आइडेंटिफाई ए आपको ए पता करना है ए क्या है तो ऑप्शन दिए हुए हैं फोर ऑप्शंस तो इसमें पहले हम थोड़ा मैकेनिज्म देख लेते हैं सो जब आप मैकेनिज्म देखोगे ऑब्वियसली यू विल सी दैट ये रहा बेनजीन रिंग यू कैन ड्रॉ बेनजीन रिंग ये डबल बॉन्ड हो गया एंड देन सिंगल डबल एंड सिंगल दैट मीन्स ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड आप बेनजीन रिंग बना लीजिए एंड ये जो बेनजीन रिंग है ये किससे जुड़ा हुआ है C H2, टू दैट मीन्स टू हाइड्रोजन आइटम सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू ना अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हुए तो ये जो कार्बन है नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा एंड ये जो बीच वाला कार्बन है दैट विल डेवलप अ पॉजिटिव चार्ज अगर आप डिग्री देखें इस कार्बन की तब ये है टू डिग्री एंड वी नो द स्टेबिलिटी ऑर्डर में थ्री डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है सो लेट्स सी क्या ये थ्री डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएगा यस yes. अगर ये हाइड्राइड दैट मीन्स हाइड्रोजन आइटम अपने बी के साथ हाइड्राइड अगर यहाँ शिफ्ट हो गया देन इट इज़ कॉल्ड वन टू हाइड्राइड शिफ्ट क्या कहते हैं इसे वन टू हाइड्राइड शिफ्ट ये हाइड्राइड शिफ्ट होगा एज ए रिजल्ट प्लस चार्ज इस कार्बन पर आ जाएगा एक बार और आप समझिए यह टू डिग्री कार्बोकेटाइन बना हमें पता है थ्री डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है तो ये जो हाइड्राइड है इसका मतलब हाइड्रोजन आइटम अपने बीपी के साथ ये टू डिग्री कार्बन कार्बोकेटाइन के पास शिफ्ट होगा एंड प्लस चार्ज विल डेवलप एट दिस कार्बन सो अब अगर इस कार्बन की डिग्री देखें तो ये थ्री डिग्री हो गया सो एज ए रिजल्ट अब क्या होगा यहां पर चूंकि प्लस चार्ज आ गया एंड वी आर रिएक्टिंग इट विद एच सी एल एच प्लस सी एल माइनस तो यहां आकर सीएल जुड़ जाएगा इस कार्बन से आकर सी एल जुड़ेगा सो लेट सी यहां सी एल इधर रिंग में जुड़ा है दिस वन इज इनकरेक्ट ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि सी एल सी एच टू से आके जुड़ गया इधर टू डिग्री से जुड़ा ये भी गलत नाउ ऑप्शन डी देखिए इसमें सी एल आकर इस कार्बन से जुड़ा है विच ऑन वन साइड इट इज़ अटैच टू फिनाइल एंड अदर साइड इट हैज सी एच टू सी एच थ्री सो ड्यू टू टू इफेक्ट्स यहाँ काम कर रहे हैं एक तो प्लस आई इफेक्ट ऑफ इथाइल ग्रुप है एंड देन प्लस आर इफेक्ट ऑफ बेंजीन रिंग है सो दिस कंपाउंड इज स्टेबल एंड ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर Now, last question, question number ten. The reaction of toluene with chlorine in presence of iron and in the absence of यहाँ ध्यान दीजिए in the absence of light or sunlight yields dash. चूंकि absence of sunlight है तब यहाँ पर substitution नहीं होगा या फिर photolysis नहीं होगा free radical mechanism नहीं होगा so ये option A गलत हो गया एंड वी नो ये जो सी एल है एंड सी एच थ्री इनका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है एज ए रिजल्ट विल गेट ऑर्थो एंड पैरा डेरीवेटिव इसका मतलब हमको ऑर्थो मिलेगा और पैरा डेरिवेटिव मिलेगा एंड ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज विल गेट मिक्सचर ऑफ बोथ बी विच इज़ ऑर्थोडेरीवेटिव एंड सी विच इज़ पैरा डेरीवेटिव सो आई होप स्टूडेंट्स मेरा ये छोटा सा एफर्ट आपको पसंद आया है होगा सो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए एंड खुद भी पढ़िए दूसरों को भी पढ़ाइए अग मिलते हैं अगले वीडियो में और भी ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ सो टिल देन बाय बाय है नाइस टाइम